हेलो दोस्तों, आपको फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है प्रो प्रोग्रामिंग। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी का एक प्रोग्राम, जिसमें हम देखेंगे कि हम पॉइंटर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने पॉइंटर्स के लिए एक और लेक्चर अपना तैयार किया था, जो कि पॉइंटर्स की सीरीज का पार्ट वन है। तो आप पहले उस पार्ट को देख लीजिए जाकर, क्योंकि अगर आपने वो पॉइंटर वाला पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा पॉइंटर्स का सी के अंदर। तो आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर आप वापस आकर इस लेक्चर को देखिएगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ये पॉइंटर्स की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। आज हम बनाएंगे पॉइंटर्स को होल्ड। हम बनाएंगे आज एक वेरिएबल आई, फिर एक जे पॉइंटर और एक पॉइंटर्स का पॉइंटर, जो पॉइंटर के एड्रेस को पॉइंट करेगा। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक वेरिएबल आई बना के। देखिए, मैंने यहाँ पर 90 असाइन करा दिया है वेरिएबल बनाते ही। अगर आपको समझ में नहीं आया है कि मैंने जे पॉइंटर बनाने के बाद क्या किया है, तो आप मेरा पहला लेक्चर लिख सकते हो पॉइंटर की सीरीज का। आपको समझ में आ जाएगा कि शुरू की दो लाइन्स में मैंने क्या किया है। अब देखिए, जो मेन चीज़ है दोस्तों, वो है तीसरी लाइन में, जहाँ मैंने पॉइंटर बनाया है पॉइंटर्स के एड्रेस को होल्ड करने के लिए। पॉइंटर यानी कि मैंने के नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसको हम वेरिएबल नहीं बल्कि पॉइंटर्स का पॉइंटर कहेंगे, जो कि किसी पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। यानी अगर हम किसी भी वेरिएबल पर एक स्टार लगाते हैं तो वो पॉइंटर बन जाता है, लेकिन अगर हम वहाँ जो पॉइंटर बन जाता है स्टार लगाने के बाद, वो किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है। लेकिन अगर हम दो स्टार लगाते हैं, तो दो स्टार लगाने का मतलब है कि वो पॉइंटर्स का पॉइंटर है और वो किसी पॉइंटर के एड्रेस को ही होल्ड करके रख सकता है, किसी आम वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके नहीं रख सकता। तो इसलिए एक स्टार का मतलब है वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना, और दो स्टार का मतलब है किसी पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करके रखना। यदि आप तीन स्टार लगाते हो तो वो ऐसे पॉइंटर को पॉइंट करेगा जो खुद किसी दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होगा और जो खुद किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा। मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में समझाता हूँ उसको, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए, जिस तरह से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 90 वैल्यू असाइन करी, फिर उसके बाद एक वेरिएबल बनाया, एक पॉइंटर्स बनाया, एक पॉइंटर जे नाम का, जो आई के एड्रेस को होल्ड करके रखा हुआ है, और फिर मैंने बनाया है के नाम का पॉइंटर, जो जे के एड्रेस को होल्ड करके रखा हुआ है। जो के पॉइंटर्स का पॉइंटर है, वो आई की वैल्यू को होल्ड करके, आई के एड्रेस को होल्ड करके नहीं रख सकता, क्योंकि वो किसी ऐसे पॉइंटर को ही होल्ड करके रख सकता है जो खुद इन टाइप का है। मैं आपको प्रेजेंटेशन से पूरी तरह समझाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है आई। अब जैसे ही मैंने int i लिखा, यहाँ पर एक वेरिएबल बन जाता है i नाम का, जो जिसको मेमोरी में जगह मिलती है, एक ब्लॉक मिलता है रैम के अंदर, जिसका एड्रेस हम मान लेते हैं 1000 है। अलग अलग सिस्टम के हिसाब से मैंने कहा था कि अलग अलग हो सकता है ये एड्रेस, मैंने 1000 केवल माना है।
जिसके अंदर हमने 90 असाइन की है वैल्यू, और फिर इसका एड्रेस जो है वो हमने असाइन करा दिया है किसी ऐसे पॉइंटर में जो खुद इन टाइप का है। तो जे एक इन टाइप का पॉइंटर है और उसके अंदर हमने असाइन करा दिया है आई का एड्रेस। अब जो मेन बात है वो है कि हमने एक और पॉइंटर बनाया है, बल्कि उसको कहेंगे हम पॉइंटर्स का पॉइंटर, पॉइंटर का पॉइंटर जो किसी पॉइंटर के एड्रेस को ही होल्ड करके रख सकता है। यानी कि डबल स्टार लिखा मैंने डबल स्टार के, यानी कि ये किसी पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, जिस तरह से के ने एड्रेस होल्ड करके रखा है जे का, जो कि खुद एक पॉइंटर है, जिसने एड्रेस होल्ड करके रखा है आई का। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में जाकर पूछ सकते हो, आप मुझसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम आई के एड्रेस, जे के एड्रेस और के एड्रेस और इन तीनों की वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ लिखा। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप आई के एड्रेस को प्रिंट कर सकते हो। आई के एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, और आपको आई का एड्रेस प्रिंट करना है तो आपको उसके लिए पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पर आई का एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ आई। परसेंट डी यहाँ पर हम लगाते हैं कॉमा, और फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा के हम आई लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा आई का एड्रेस। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और देख सकते हैं इसका एड्रेस प्रिंट हो गया 744, ये रहा आई का एड्रेस। और मैं दिखाता हूँ आप आई के एड्रेस को किस और तरीक़ों से प्रिंट कर सकते हो। ये मैंने कॉपी किया पेस्ट एंड देन अगेन पेस्ट। मैं लाइन चेंज करने के लिए बैक स्लैश एन लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ जे, तो यहाँ पर फिर से आई का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ स्टार के तो भी प्रिंट हो जाएगा आई का एड्रेस। ये देखिए दोस्तों तीनों वैल्यू सेम है, यानी कि ये तीनों आई के एड्रेसेस हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है एड्रेस ऑफ आई, इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारा एड्रेस ही प्रिंट होगा, और फिर मैंने लिखा है जे। अब जे से आई का एड्रेस क्यों प्रिंट हुआ, चलिए समझते हैं। देखिए क्योंकि आई के क्योंकि जे एक पॉइंटर है और उसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई है, जो उसके अंदर वैल्यू रखी हुई है वो आई के ब्लॉक की है, तो इसीलिए अगर हम जे की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो उसका मतलब है कि हम आई का एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि आई का एड्रेस जे की वैल्यू के अंदर है। उसी तरह से अगर हम स्टार के लिखते हैं तो स्टार के से स्टार अगर हम लिखते हैं किसी पॉइंटर में प्रिंट करते समय, तो स्टार मतलब कि स्टार ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड ऑपरेटर या वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, यानी कि जो पॉइंटर है उसका जो ब्लॉक है उसके अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस के अंदर कौन सी वैल्यू रखी हुई है। यानी कि मैंने मान लीजिए स्टार के लिखा, तो स्टार के लिखकर मैंने बताया कंपाइलर को कि तुम्हें के का एड्रेस प्रिंट नहीं करना है, बल्कि स्टार क्योंकि मैंने लिखा है तो कंपाइलर समझ जाएगा कि इस के ब्लॉक के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू यानी कि 1000 प्रिंट करना है। जिस तरह से हमारा ये आउटपुट सेम आ रहा था हर बार एड्रेस ऑफ आई आई के ज़रिए, और एड्रेस ऑफ आई जे के ज़रिए, और एड्रेस ऑफ आई के ज़रिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से जे का एड्रेस
प्रिंट कर सकते हो और केक का एड्रेस किस तरह से प्रिंट कर सकते हो। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लाइन चेंज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा एड्रेस ऑफ जे दो तरीकों से, आप गैस कर सकते हो वो कौन से दो तरीके हैं। चलिए मैं पहला तरीका बताता हूँ आपको। एड्रेस ऑफ जे लिख के हम प्रिंट कर सकते हैं एड्रेस जे का। अब दूसरा तरीका है, होप गैस कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों ये दूसरा तरीका है, जैसे कि मैंने प्रिंट किया है एड्रेस आई का, या कहीं मैंने प्रिंट की है वैल्यू जे की। जैसे ही मैंने स्टार के लगाया, स्टार के लगाकर कंपाइलर ने देखा कि इस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है उसके एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, यानी कि 2000 का एड्रेस, 2000 एड्रेस किसका है, जे ब्लॉक का। और जे ब्लॉक के एड्रेस के अंदर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, 1000। जी हाँ दोस्तों, अगर हम स्टार के लिखते हैं तो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। एड्रेस प्रिंट अगर हम के लिखते हैं, अगर हम सिर्फ के लिखते हैं तो प्रिंट हो जाएगा एड्रेस जे का, क्योंकि के लिखने का मतलब है के अंदर की वैल्यू। अगर हम पॉइंटर में सिंपल उसका नाम लिखते हैं, मान लीजिए के, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन अगर हम स्टार लगा के उसको प्रिंट करते हैं तो उस के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस के ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। चलिए देखते हैं किस तरह से। यहाँ मैंने के लिखा तो इस समय प्रिंट होगी जे का एड्रेस। पहले मैं स्क्रीन को बंद कर देता हूँ, चलिए फिर से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रिंट हुआ जे का एड्रेस। देखिए पहली चीज़ तो आप समझ गए होंगे, एड्रेस ऑफ जे लगा के मैंने जे का एड्रेस प्रिंट किया, और फिर के जरिए, यानी कि के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो जे की है, इसलिए उसका एड्रेस प्रिंट हो गया के जरिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हो इन सब की। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं / एन। वैल्यू ऑफ आई, सबसे पहले आई की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, देखते हैं आई की वैल्यू किस तरह से प्रिंट होगी। यहाँ दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको बस यहाँ पर आई लिखना है, तो आई के अंदर जो वैल्यू है 90 वो प्रिंट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप किस तरह से आई की वैल्यू उसको प्रिंट कर सकते हो। देखिए अगर मैं आई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे बस यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टार जे। जैसे कि मैंने कहा, केवल पॉइंटर का नाम लिखना उसके अंदर की वैल्यू दिखाता है, लेकिन अगर हम स्टार लगाते हैं तो उसके अंदर जो एड्रेस है, उस ब्लॉक के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है वो हमें दिखाएगा कंपाइलर। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार के, तो स्टार के से क्या होगा, स्टार के यानी कि के ब्लॉक के अंदर, यानी कि के ब्लॉक के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, 1000। लेकिन अगर मैं एक और स्टार लगा देता हूँ तो इसका मतलब होगा कि उस की पहले के का एड्रेस देखो, के की वैल्यू के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जाओ, उस एड्रेस के अंदर कौन सा वैल्यू रखी हुई है उसको देखो। अब क्योंकि खुद वो एक एड्रेस है जो कि जे के अंदर रखा हुआ है, तो उस एड्रेस पर भी जाकर देखो कि कौन सी वैल्यू रखी हुई है, जो कि है 90। यानी कि अगर मैं एक और स्टार लगाता हूँ तो इनडायरेक्टली हम इसको, इसके ज़रिए आई की वैल्यू ही प्रिंट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आई की वैल्यू ही प्रिंट हो रही है, आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है इन तीन तरीकों से, आई लिख के, जे लिख के या फिर के लिख के। दोस्तों इसकी एक और काफ़ी अच्छी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब मान लीजिए
मुझे यहाँ पर प्रिंट करनी है वैल्यू k की, अब बता सकते हो क्या आएगा? यहाँ तो सिर्फ k, आपको सिर्फ k लिखना है। आप अगर k लिखोगे तो k की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि एड्रेस है j का, क्योंकि हमने k के अंदर j का ही एड्रेस डाला हुआ है। इस लाइन की मदद से, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से हमने j का एड्रेस k के अंदर डाला हुआ है। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ थोड़े अलग तरीके से i की वैल्यू। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टार k लिखा, तो आप गैस कीजिए कि क्या आउटपुट आएगा। यहाँ दोस्तों इसका आउटपुट आएगा एड्रेस ऑफ k। यहाँ पर एड्रेस ऑफ k आ गया। देखिए ये सब तो j, और एक मिनट मैं ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये वैल्यू ऑफ k है और ये एड्रेस ऑफ है k का, ये एड्रेस है k का। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए ये वैल्यू प्रिंट हो रही है k की, और ये एड्रेस प्रिंट हो रहा है k का। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, तो क्या होगा? अब देखिए दोस्तों एंड ऑपरेटर का काम होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि कहलाता है ये, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का काम होता है कि जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस प्रिंट करो। लेकिन जो स्टार होता है, स्टार का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, यानी कि जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी हुई है उसको प्रिंट करो। यानी कि पहले कंपाइलर देखेगा एड्रेस ऑफ के, एड्रेस ऑफ के क्या होगा, जो भी हमारा सिस्टम के हिसाब से आएगा। हमने यहाँ पर सपोज दिया मान लीजिए 3000 है, तो 3000 पहले वो प्रिंट करेगा, प्रिंट नहीं करेगा एक्चुअली, पहले एड्रेस ऑफ के देखेगा, फिर उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है यानी कि 2000, फिर उसको देखेगा। यानी कि इनडायरेक्टली जो एड्रेस प्रिंट होगा वो जे का प्रिंट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो जे का एड्रेस है वो है 44, और यहाँ पर भी एड्रेस ऑफ के नहीं, यहाँ पर लिखना भूल गया था, एड्रेस ऑफ जे है ये 44। ये देखिए, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और स्टार लगाता हूँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए? अब जैसे कि मैंने कहा डबल स्टार लगाने का मतलब है पहले एड्रेस ऑफ के, जो कि होगा पहले एड्रेस ऑफ के 3000, फिर उसके अंदर स्टार लगाने से उसकी वैल्यू 2000, फिर उस पर भी स्टार लगाने से जो इस 2000 एड्रेस के अंदर की वैल्यू है 1000, वो प्रिंट हो जाएगी। यानी कि एड्रेस प्रिंट होना चाहिए इस समय आई का। देखिए एड्रेस क्या है आई का, लास्ट में है 48, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 48। अब मान लीजिए मैं एक और स्टार लगाता हूँ, मैंने एक और स्टार लगाया, तो अब आप कैसे गैस कर सकते हो कि आउटपुट क्या आएगा? पहले एड्रेस ऑफ के उस एड्रेस पर एक पॉइंटर, पहले एड्रेस ऑफ के, फिर एक स्टार लगाने के बाद उस एड्रेस का वैल्यू, फिर एक और स्टार लगाने पर उस एड्रेस की भी वैल्यू, फिर तीसरा स्टार लगाने पर उस एड्रेस की भी वैल्यू, यानी कि 90। तो यहाँ पर इंडायरेक्टली 90 प्रिंट होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर 90 प्रिंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है वो हो रही है वैल्यू ऑफ आई। यहाँ पर इनडायरेक्टली वैल्यू ऑफ आई प्रिंट हो रही है। तो दोस्तों ये था हमारे पॉइंटर्स के लेक्चर का सेकंड पार्ट। मैं जानता हूँ इसमें थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आई होप आप समझ जाओगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपकी से हेल्प हुई है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।